कल चिपलुन के मुख्य बाज़ार में मतलब जो बहादुर शेख नाका कहलाता है जो इलाका, इस जगह पर हम लोग आज खड़े हैं। और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये नया ब्रिज का काम चालू है। और ये ब्रिज अचानक से सुबह 7:15 बजे इसको क्रैक गया करके, और उस समय भी थोड़ा आवाज़ अब थोड़ी सी हो गई थी। उसके बाद में कल दोपहर को 2 बजे करीब, तकरीबन 2:30 के आसपास में यहाँ पर बहुत बड़ी आवाज़ के साथ में ये ब्रिज नीचे आया। और उसके बाद में यहाँ पर गनीमत कोई जीवित हानि नहीं हुई, लेकिन यहाँ के जो दुकानदार जो है ये अपना दुकान छोड़ के यहाँ से भाग गए, क्योंकि यहाँ पर जो आवाज़ हुई और उसके साथ में ये जो ब्रिज नीचे आया करके, इस वजह से वो अपना दुकान छोड़ के भागे। क्या हुआ था कल के दिन? कल सुबह 7 बजे एक ज़ोर से आवाज़ आई, उसके कारण यहाँ से आगे से एक क्रेक हुआ था थोड़ा सा, तो उसमें भी लोग काफ़ी घबरा गए थे। उसके बाद जब 2:45 बजे जब ज़ोर से धमाका, उससे कुछ 5 मिनट पहले कोई अपने मौका मायना करने के लिए आए थे आमदार वगैरह, तो जैसे ही 2 मिनट में धमाका हुआ वो लोग भी भाग के घबरा के इधर भाग गए थे और हम लोग भी घबरा चुके थे। उससे 1 महीना पहले 28/9 को एक बार ये ऐसे हुआ था, ये साइड में बैंड हुआ था, इसका एक जैक निकल गया था। 1 महीने पहले भी ये घटना हो चुकी है। अच्छा, ऐसा है। आप भी सुबह में थे क्या? हाँ, सुबह में थे, 7:30 बजे। हाँ, दोपहर को क्या हुआ था? दोपहर में भी यही हुआ था, नीचे वो आमदार खड़े थे और अचानक एकदम ऊपर आ गया। आप दुकान छोड़ के भाग गए? दुकान छोड़ के भाग गए थे, सब ऊपर भाग गए थे। कुछ वो टाइम में 2 मिनट में कुछ भी ऐसा नजर नहीं आएगा क्या करे क्या नहीं करे, ऐसा है। अच्छा, इसके पहले 2 महीने पहले ऐसी घटना? हाँ, 28/9 को हुआ था, इसका एक साइड का जैक ऐसे हो गया था थोड़ा। तो इनका कहना है पिछले महीने भी यही इसी तरह की हादसा यहाँ पर हुई थी, घटना उस दिन भी देखे जब ऐसी ही घटना हुई थी और इसकी वजह से उन्होंने दुकानें बंद रखी थी, क्योंकि उस दिन भी ऐसी आवाज़ के साथ में एक बड़ा जैक नीचे गिर गया था और इस वजह से ये गटर जो है ये भी बैंड हुई थी और इसी वजह रोड को बंद कर दिया गया था, ऐसा इनका कहना है। मतलब ये रोड के ऊपर ये जो हादसा हुआ है ये कल का दिन का नहीं, इसके पहले 1 महीने के पहले भी इसी तरह का हादसा यहाँ पर हुआ था और 28/9 को, उसके बाद में भी इस कॉन्ट्रैक्टर ने, ये जो ठेकेदार है, इसने कोई भी मतलब ऐसी सुरक्षा करके कोई भी मतलब योजनाएं नहीं रखी, इसी वजह ये दूसरा जो हादसा हुआ इसमें कम से बहुत सारा नुकसान हुआ। आप देख रहे हैं मेरे पीछे में जो ब्रिज है वो पूरा नीचे गिरा हुआ है, इस वजह से अभी इस काम के वजह ऊपर जो अभी लोग शंका जताने लगे हुए हैं। आज तक के लिए मैं गोकुल कामले, रत्नागिरी, चिपळूण।